सतगुरु बाजो गुर नहीं कोई, सतगुरु बाजो गुर नहीं कोई, निगुरे का है नाओ बुरा, निगुरे का है नाओ बुरा, परम सत्कारियो चबर शत्र तख्तां दे मालक निपत्यां नू पत देण वाले, निशत्यां नू शत देण वाले, ने आसरियां नू आसरा प्रदान करन वाले, ने गुणियां नू गुण देण वाले, अनाथां दे नाथ सर्व कला भरपूर, तख्तां दे सुभाए मान जगदी हुई जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा ध्यान तर बोलो जी, बोलो जी वाह। सतगुरां ने नदरे रहमत कीती है, साध संगत जीओ अज धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी दा ज्योति जोत दिहाड़ा है। अज दे दिन मेरे पातशाह रहमत दे दाते गुरु अमरदास महाराज जी अपनी जोत गुरु रामदास महाराज जी दे अंदर टका के प्रभ पुर प्याना कीता। गुरु की संगतां ने बड़े वड्डे उपराले दे नाल महाराज जी दा दिन गोइंदवाल साहिब दी धरती ते मनाया, क्योंकि ये जिहड़ा दिन है ये सारियां ते आउणा है। चाहे कितने भी दुनिया के रंग बंदा माण लैंदा है, पर अंत नूं आपां सारिया ने ही इत्थों तुर जाना। जिन्हों भाई गुरदास जी वर्गे महापुरख कहिंदे हन कि एक मक्खी वर्गा जीवन है साडा सारिया, कि जिस तरह एक शहद की मक्खी एक एक फुल तो महक इकट्ठी करके ते 6-7 महीने दे विच इक बड़ा सारा छज्जा तैयार करदी है शहद दा, पर उह जदों तैयार कर लैंदी है ते इतफाक साध संगत जी कि जदों किसी मनुख दी उहदे ते निगाह पैंदी है ना, उहदे अंदर लालच पैदा हो जांदा है, ते लालच फिर की करदा है, एक डंडे दे उपर कपड़ा बन के मिट्टी दा तेल पा के उहदे ते अग बाल लैंदा, उस अग नूं फिर उस मक्खियां दे थले कर दिंदा है, ते मक्खियां बेचारियां मच के थले डिग पैंदियां ते शायद आप चो के लै जांदा है। और ऐसी हालत साडी है साध संगत जी के साडे बाबा साडी बेबे जिन्हां ने बड़ी वड्डी मेहनत कर करके बच्चे पाले हुंदे, उन्हां बच्चियां नूं व्याहिया हुंदा है, घर बनाया हुंदा है, ते फिर की हुंदा है, जिस तरह एक शहद की मक्खी फुल्लां तों महक इकट्ठी करके एक गुलदस्ता तैयार करके शहद बनाउंदी है, पर उह शहद उहनूं वरतना नसीब नहीं हुंदा। इसे तरह माँ है प्यो है कि सारा दिन सारी रात कमाई कर करके बच्चे पैदा करके जवान करके व्याह के पढ़ा के नौकरियां ते लगा देंदे हन, ते सारी जायदाद जदों तैयार हो जाती है ते आप इस दुनिया तो चले जाते हैं। हुण जदों जाते हैं तो वह ही बच्चे फिर उन्होंने लकड़ां दे विच रख करके ते हाथ दे विच अग लैके ते आपां किने वड्डा पुत्र अगन लावे। तो मारे सच्चे पातशाह जी कहिंदे कैसी दुनिया है जगत में झूठी देखी रीत है, भी जिस माँ प्यो ने कदे मत्था नहीं टेकिया, कदे संगत विच नहीं आए, कदे गुरुद्वारे नहीं आए, बस अपनी दुकान अपना कारोबार ही चलाया कि साडे बच्चे पल जाण, ते कहिंदे उस मक्खी दी तरह जिहड़ी सारे फुल्लां तों महक इकट्ठी करके किन्ना कु मुख हुंदा मक्खी दा, ते किन्नी मेहनत ना शायद किन्ना तैयार कर लैंदी, पर जदों तैयार हो जांदा है ते उहदा मालक कोई
होर ही बन के बह जाता। इसे तरह मारे कहते बंदे भुलेखे च पाया कि तू कमाई करके पुत जवान कर दे धियां जवान कर दे। एक मुसलमान का फकीर का शेर है वो कहता पुत लै गईयां नौवां पुत लै गईयां नौवां धियां लै गए होर साढ़े जजमान। आपां तां पढ़ाउण लिखाउण वाले आ जिहन तुसीं निक्के निक्के बच्चे भैणां को अपने भी हैं किन्ना काम करके इन्हां नूं नवाई धवाई दा इन्हां नूं ट्यूशन भेजी दा कुछ पर जदों इन्हां ने जवान होना इन्हां दा फल पकना ते आपां नूं नहीं मिलना। ये सच्चाई कौड़ी कह लो मिठी कह लो। अज बहुत गिनती जो माई बाप आ जिन्हां ने शायद इकट्ठा ते कीता पर उन्हां नूं खाणा नसीब नहीं होया वो अज बिरध आश्रम ड्योड़ियां दे विच रो रहे हैं कोई उन्होंने बुलाउंदा तक नहीं है। इस करके आपां समागम रखिया गुरबाणी इस जग में चानण कर्म वसै मने आया जिहड़ी कथा क्यों कराई जाती है क्योंकि सतगुरु सानू रस्ता दिखा देंदे कि भाई इन्ना मोह ना कर। अज गुरु अमरदास जी का पावन दिन है ते गुरु अमरदास जो तुम पढ़ते हो ना सवेरे रोज आनंद साहब च ये महाराज गीत गीत कर दे ए मन प्यारिया तू सदा उच्ची बोलो तू सदा एहो कुटुंब आ जिहड़े तेरे बच्चे घर वाला घर दी ये कुटुंब है ते गुरु अमरदास कहिंदे इहो कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही इन्हां तेरे नाल ते नहीं जाणा साथ तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों क्यों शब्द बड़ी अहमियत रखदा क्यों आए तुसीं क्यों गए तुसीं क्यों घर वटाया। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे साथ तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाई हुण क्यों नहीं गुरुद्वारे कोई आउंदा क्यों नहीं अमृत वेले उठदा क्यों नहीं बाणी पढ़ता कहिंदा जी घर दा ही नहीं सरदा जी मेरी दुकान दा काम मेरा कारोबार है। महाराज कहिंदे क्यों चित लाई है ऐसा काम थोड़ा जिहा उच्ची हुंगारा दिओ ऐसा काम जे तंत कहिंदे अंत नूं पछोतावेगा। पता क्यों किसी विद्वान का शेर है वह कहिंदा रोया रुख कुहाड़े च देख दस्ता टक जड़ां ते लाया ते अपने ने बुलबुल रोपी माली हथ वेख सुई छेक फुल्लां च पाया। बोलो जी अपने ने बुलबुल कहिंदी मैं टाणी ते बह के देखिया भी ये माली ने बूटा लियांदा नर्सरी चों छोटा जिहा बूटा लाया रोज पानी पाउंदा रहा गोडी करदा रहा जिदन बूटा जवान हो के उहनूं वड्डे मोटे फुल लगे ते इक वपारी आया उहने जेब चों पैसे दिखाए कहन लगी मेरी धार निकल गई टाणी ते बैठी दी कि जिसने हथीं बूटा लाया हथीं परवरिश कीती चार नोटां दे बदले वह फुल तोड़ के ते उहदे विच सूई नंगा के ते वेचती। ते अज अपने नाल भी इदां ही है कि आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करके किन्नी बच्चे जवान कीते अज किसी ने पैसे विखाए कि भाई मैं पैसे ला दिना है बच्ची ने एलस कीती आपां भेज दईए आपां चुक के दे दिंदे वो बच्चे चले जाते ने सो भला वे अपना विशा नहीं पर इहनूं गंभीरता ना तुसीं सोचो क्योंकि अज दिन सारा ही बराग नहीं है। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਲੜੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਲਬੁਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲਿਆ ਹੱਥੀਂ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਮਹਿਕ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਖਾਤਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਪਾਲੀ ਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੱਥ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੈ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਸੰਗਤ ਮਗਰ ਜਾਈਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 60-70 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਇਆ ਰੁੱਖ ਕੁਹਾੜੇ 'ਚ ਵੇਖ ਦਸਤਾ ਟੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਬੁਲਬੁਲ ਰੋਪੀ ਮਾਲੀ ਹੱਥ ਵੇਖ ਸੋਈ ਛੇਕ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਰੋ ਪਿਆ ਦਗੇ ਦੀ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਮੁਰਦਾ ਰੋ ਪਿਆ ਦਗੇ ਦੀ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਲਾਂਭੂ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਲਾਟ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਪੂੰਝ ਪੂੰਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਫਾਕ ਵੇਖ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜਾਂ 'ਤੇ ਧਰ ਗਏ।
उन्होंने अग्नि भेट करती है ते इस करके महाराज कहते जगत मैं झूठी देखी प्रीत तां करके ते फिर मेरे हजूर पातशाह महाराज जी आनंद साहब दे विच कहिंदे साची लिवै बिन दे जिहदी लिव नहीं ना लगी ज्यौंदे जी ओहदी देह नूं माण नहीं मिलना। हुण अपनी बॉडी तां चल जाणी इत्थे पर रूह रह जाणी महाराज कहिंदे साची लिवै बिन तुसीं हुंगारा उच्ची क्योंकि तुहाडा मेरा प्यार बनेगा। एक तुसीं थोड़ी कथा भी सुनियो पर जदों आनंद साहिब पढ़ोगे रोज तुहानूं चेता आवेगा। कई बार बंदा हुंदा मैं बाणी पढ़नी पढ़ देनी तो उदों मैं पंज बाणियां पूरियां करनियां नहीं। महाराज कहिंदे किनका एक ताकि महिमा गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी ने आनंद साहिब दा भी इतिहास है क्योंकि बाबा जी दे पड़पोते ने लिखिया राम कली सादा 923 अंग ते जदों बंदा चढ़ाई करदा ते उदों ग्रंथी संघ पढ़दे राम कली सादा। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਤੇ ਮੋਹਰੀ, ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿੱਦਣ ਪੋਤਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਵੇਖੇ ਉਹਦਾ ਮਸਤਕ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰਾ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਅਸੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣਾ ਖੌਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਔਖਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਲਯੁਗ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੀ ਵੜਿਆ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਤਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੜਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਰਗ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜਨਗੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੜ ਲਈਏ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਉੱਚੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਸੰਗਤੇ ਪਿਆਰ ਗਵਾ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤਾਈਂ ਆਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ ਲੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸਮਾਗਮ ਔਖਾ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਨਿਤਨੇਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜੇ ਬਾਣੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੁਖੀ ਰੋਂਦੀ ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਪਾਇਲਟ ਬਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾ ਵੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੰਗਿਓ ਨਾ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾ ਵੀ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾ ਵੀ ਹੈ ਵਜਨ ਤਾਲ ਮਿਰਦੰਗਰ ਬਾਬਾ ਵਜਨ ਤਾਲ ਮਿਰਦੰਗਰ ਬਾਬਾ
कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए, गाओ सारे, कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए, धन गुरु नानक, 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 कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए, वजन ताल मृदंगर बाबा, वजन ताल मृदंगर बाबा, कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए, साध संगत हुण दा तां पता नहीं। 2013 दी गल है, दास गुरुद्वारा श्री बेर साहब सी, उदों प्रभात फेरी गोइंदवाल जांदी हुंदी सी तुर के, इन्ना तेज सी साडे बजुर्गां भैणां वीरां च भी शब्द पढ़दे जाणा, हुण तां गुरुद्वारा बूहे अखी है मत्था टेकण नहीं आउंदा। ते साध संगत जी इक प्यार है, तुसीं मेरियां भैणां वीर जिन्ने बैठे जी आया नूं, हुण मैं सफर आरंभ करां क्योंकि घड़ी तां चल चुकी, आपां जे आउण नहीं दें आखो सतनाम, ते बुलारे दी मजबूरी हुंदी वी जिहड़ा सुणा गया उहनूं वार वार नहीं सुनाया जांदा, ते ध्यान दे नाल एकाग्रता नाल अज आपां बाबे दे अंतम समें दे दर्शन करने गोइंदवाल, जिन्ने समें च रह के तुसीं साथ देना नाल है कुछ नहीं, इत्थे आ जिहड़ी धन दौलत तुसीं हुण इकट्ठी कर लगे जी ना, इह आपणी आ, बेशक इह सौदा कोई नहीं लैंदा होणा, कहिंदे मक्खी हलवाई दे छाबे ते बवे उहदा कोई मुल नहीं पैंदा, मक्खी फ्रूट वाले दे छाबे ते बवे उहदा कोई मुल नहीं पैंदा, मक्खी दवाइयां वाले दे छाबे ते बह जे उहदा कोई मुल नहीं पैंदा, पर जदों मक्खी सुनियारे दे छाबे ते बहिंदी ते 2-3 हज़ार दा मुल पा जांदी है। इस तरह महाराज कहिंदे जिहड़े सिख गुरु ग्रंथ साहिब दी कथा कीर्तन चलदा होवे उत्थे आके बहिंदे आ, उहनां दा बैठिया दरगाह च मुल पा जांदा। आपां मासियां चाचियां ताइयां बड़ियां कबरां सियाणियां को किथे लोक बहिंदे फिरदे, उहदा कोई मुल नहीं पैणा, सारी सारी रात भावें भैणां नूं पता भैण भरा आए हुण ते पतीले मांजदे 12 वज जांदे, इन्नियां इन्नियां चापलूसां कीतियां पर देना की किसी ने, 4 दवाइयां लिया के पा देणगे जिदन अखां मीटियां, कुछ नहीं देना। महाराज कहिंदे हम चाकर गोविंद के, साईं दी चाकरी करिया करो, गुरु साईं कृपा करे। आपां हुण पढ़िया सी घर घर बाबा, ते घर घर बाबा पहली संगत गाउंदी सी, हुण सफर आरंभ हुंदा। धन मेरे गुरु अमरदास महाराज जी का आगमन 1479 दे विच होया, बाबा तेज भाण जी मां लक्ष्मी जी कई सुलखनी भी लिखिया है, सतगुरु महाराज जी गुरु नानक साहब तो 10 साल छोटे है, गज के कह दिओ सतनाम, गुरु नानक साहब 1469 विच आ गए ते बाबा जी 1479 यानी गुरु नानक दे वेले, महाराज गुरु नानक साहब 20 सालां दे है ते गुरु अमरदास 10 सालां दे है, पर उदों जोत नहीं प्रवेश कीती, जोत प्रवेश करनी, तीजे जामे जा के भांडा तैयार हो रहा, जिदा आपां विदेश विच होईए घरे कोई ना होवे ते आपां फोन करीदा रिश्तेदारां नूं, भाई मेरी कोठी की सफाई कर दिओ मैं 19 तरीक नूं आउणा, ये सदा फिर बाबे अमरदास महाराज जी नूं 60 सालां बाद मिलिया, आखो सतनाम,
21 वार गंगा ते तुर के गए अपने ते अबूए अगे गुरुद्वारा लागे लागे रहने दिल नहीं करता उन्हों किथे गंगा ते किथे बासर के गिला हर साल तुर के जाते हैं मेरे अंदर का भी फुरना है तुहाडी संगत की सलाह तुसी सारे तैयारी करो जिदा सलाना जोड़ मेला आ गया बौली साहब ते किसी दिन तुसी करके प्रेम ते प्रभात फेरी बना के सारे कट्ठे हो के ते 4 बजे भी तुरे ते 5 बजे तुसी साढ़े को आ जाना सलाह करके करियो जतन जरूर क्योंकि आप तकड़े होके जतन करिए टुट चले हाँ नाले सैर हो जू नाले रब दे गुण नाले कोई रब की गल करांगे कोई शब्द पढ़ लांगे थोड़ी गंदगी गाली एक एक बजे तीन डीजियां ते नच लैने हैं थोड़ा जिहा उपराला करना तुसी क्योंकि 15-16 दिन जोड़ मेले चाहे भावें ऐतवार का ही रख लिया जो आने वाला है सवेरे अमृत वेले सारी सारी शब्द पढ़ के आ 35-40 मिनट तुसी पहुँच जाना जी आया क्योंकि मर्यादा गुरु साहब ने चलाई है तो गरीब नवाज पातशाह महाराज जी एक साधु नूं मिलदे आ उहनूं घरे लै आए ते बाणी कहिंदी साध कै संग मुख साध संग मल साध कै संग मिटै साध कै संग प्रगटै साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब कहिंदे संगत जिहड़ी आ ना रब नूं नेड़े दर्शन करा दिंदी आ इन्ना वड्डा फल है संगत दा तो साध संगत जी एक साधु की संगत तुसी संगत कर रहे इस वेले ये समा तुसी घरे भी बह के कढ लो निकल तां वी जाना टीवी वेख के मोबाइल वेख के पर महाराज कहिंदे साध कै संग बुझै प्रभ नेरा संगत दे विच रब छेती मिल पैंदा खो सतनाम उस साधु ना प्रेम पै गया सारी संगत ना जिदा मेरे वीर जी बैठे हन भाई कुलवंत सिंह जी इन्हां ना प्रेम है कई बारी जिक्र किया आंदा पर साडा कनैक्ट नहीं हुंदा रहा अज होया जी आए प्यार दी खातर आए है मुहब्बत दी खातर तो इस तरह गुरु अमरदास जी का प्यार एक साधु दे नाल पै गया ते उहनूं घरे लै आए ते जल पाणी छकाया ते जदों बचन चले ते साधु ने सहज सुभाव पुछया कहिंदे बापू तेरा गुरु कौन आखो सतनाम आपां हुणे पढ़िया सी सतगुरु बाजों गुर नहीं कोई निगुरे का है गुर की हुंदा है खसम हुण तुहाडे घर मझां गावां रखियां ते शामां नूं मझ नूं बुखार हो जाए गां नूं ते तुसीं की करोगे डॉक्टर बुलाओगे उहदा ट्रीटमेंट कराओगे उहदी रखवाली करोगे पर उही गां जे किते गली च वारा फिरदी है ते उहदा लक कीड़िया नाल भरिया कीड़े पे उहदे पिंडे दे विच कदे इस कंध को कदे उस कंध को कोई कढ़दा कीड़े नहीं कढ़दा एक कुत्ता तुसी मैं एग्जाम्पल दे रहा गुरु की है कादे लई इत्थे आके बैठे बाणी पढ़दे आ सतगुरु बाजों गुर नहीं कोई नगुरे का है एक कुत्ते दे सिर च कीड़े पै सारा सिर खा लिया वो जिहदे भी बूहे ते जांदा अगला उहनूं छित्तर मारदा वटे मारदा भी भजाओ जे उही कुत्ता किसी ने रख्या होवे ते इक चिचड़ भी पै जाए ते अगला लिया के दवाई देंदा कि मेरा ए कोई पशु दे गल च संगल होवे अगला कहिंदा मेरा ए इसे तरह साध संगत जदों ओहदे हो जाइए फिर ओहदियां दी लाज वो आप रखदा ए सगल दवार को छाड़ के गयो बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहारो दे दास बन के वेखी क्योंकि आपां पढ़दे आं गुरु अमरदास महाराज जी नूं इहो सच सभना का खसम है जिस बख्शे जिहदे उत्ते कृपा होणी उहने इह सुणना बाकी नहीं सुण सकदा कोई महाराज जी कहिंदे जिहड़ी मक्खी हुंदी मक्खी गंद ते बहिंदी है भौरा ही फुल ते बहिंदा सिख उहो ही भौरे वर्गे जिहड़े आके गुरु को बहिंदे मरना किते गंदगी होवे ते सारी रात बंदा थकदा नहीं आखो सतनाम तो गुरु पातशाह महाराज जी कृपा दे सागर मेहर करदे ने कि जिन्हां दा खसम सिर ते हुंदा फिर उहनां नूं कीड़े नहीं पैण दिंदा इसे तरह जिहड़े गुरु वाले उहनां नूं गुरु नरकां च नहीं पैण दिंदा खो सतनाम धन मेरे गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी नूं साधु ने आख्या कहिंदे पुरशा बड़ा माड़ा कीता ई इन्ना चिर तेरे नाल बैठा ते नगुरे तों रोटी खाई गया नगुरे तों पानी पी गया ऐदां भांडे सुट के उह साधु निकल गया कहिण लगा अज तों बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं बस उह ऐदां दी सट वजी एक वारी फिर पड़िओ घर घर बाबा गावीऐ घर घर बाबा गावीऐ Bye.
घर घर बाबा गाविए, घर घर बाबा गाविए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, हुण जिहदे दर्द हुंदी होवे रात दे 12 वजे उहनां नूं नींद कित्थे आउंदी है। बाबा जी नूं विछोड़े दी सट वजी है, जिदा आपां पिछले समागम कहा सी, कबीर साहब कहिंदे चक्कई जौ निस विछड़ै आए मिलै प्रभात, जो नर विछड़े राम सिओ ना दिन मिले। कहिंदे चक वी चकवा रात नूं विछड़े सवेरे मिल पे, आपां किदन मिलना जिदन चार जणे चौके लै गए गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। बाबे अमरदास नूं नींद नहीं आ रही, ते नींद नहीं आ रही, ते घर सांझा छोटी जी कंध है विच कच्ची, ते घर घर बाबा एक तुहाडे वर्गी धी, तुहाडे वर्गी भैण जी दा नां सी बीबी अमरो, इन्नी सोहणी ते मिठी आवाज उस बच्ची दी। अमृत वेले 2:30 उठी, केसी इशनान कीता, मधाणी पाई, ते जदों मधाणी रिड़कदी ते उह गुरबाणी पढ़दी उच्ची उच्ची। अज भी अमृत वेला जिन्हां दे कोल बादशाह है, जिन्हां को अमृत वेला नहीं वो तो बीमार है। आखो सतनाम। ते बीबी अमरो ने घर घर बाबा गाविए दा सुपना सच कीता। अज आपां कहिंदे जरूर अमृत वेले उठो, नितनेम करो, जीवन बनाओ, पर उठदा कौन? आखो सतनाम। सारे लेट वाले हैं। बीबी अमरो दे मुख चों गुरबाणी दे बोल सुने, ते निक्की जी कंध विच करदे सी, क्योंकि उन्हां दे भरा दी बहू है बीबी अमरो, गुरु अमरदास जी दे रिश्ते विचों चाचा ताया कुड़मा चारी है सौरा लगदे ने। हौली जी उन्हां दे घर जाके गवांडियां दे कहन लगे, पुत एक वारी फेर सुना। ते बीबी अमरो जी शर्मा गए, क्योंकि छोटे थां सी, ते उन्हां दे पिता जी भी उठे कहन लगे, धीए संगीत दा नहीं हुंदा, वड्डियां दीआं सीसां सुणा दे। ते बीबी अमरो ने फिर शब्द गाया, करनी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दुइ लेख पए, ज्यों ज्यों किरत चलाए तो चलिए तौ गुण नाहीं, अंत हरे बस दो जक लखत खेड सी कोई। अपनी जिंदगी लंघी, कथा कीर्तन समागमां दे विच अजे उत्थे खड़ोते हैं, तुरे नहीं आपां, ते जिन्ना चिर तुर गए ना उन्ना चिर पहुंचना कित्थे? आखो सतनाम। अजे आपां सारे लंगरां दे विच, ते सरोपियां दे विच, ते जिदां दे विच ऐ, अजे ताईं आपां पहुंच नहीं सके। जिद की है? मैं तुहाडे गुरुद्वारे नहीं आउणा, तुसीं मेरे नहीं आउणा, मैं तुहाडे महल्ले च नहीं जाणा, मैं साडे महाराज तक कह के गए सी, अवल अलै नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले। जदों मैं कहंदी होवे ते भौरा थोड़ा पुछदा फुल किहदे करे, उन्हें तो अपना रस लैना है। बाबे अमरदास नूं रस आया, कहिंदे पुत जिहदी गुरबाणी इन्नी सुकून दिंदी, आप कितना सोहना होवेगा, दस मैनूं इह कौन है? महापुरख जी दी बाणी है, इह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए, दस वे पुत। ते बीबी अमरो कहन लगी, बापू इह गुरबाणी गुरु नानक दी है। कहन लगी, मैं मिलना चाहुणा बड़ा दिल, तुसीं कदे आख्या है वी अरदास कराई ग्रंथी सिंह तों वी, बाबा जी अरदास करो मैं गुरु नानक नूं मिलना। आपां अपणियां चीज़ां मंग के मुड़ जाईदा, कोई दुकान मंगी जांदा, कोई पुत मंगी जांदा, कोई वीजा मंगी जांदा, कोई पीआर मंगी जांदा, पर कादी पीआर? तीआं दा ते दास हो गया, तुसीं तकरीबन 50-60 वाले ते, मगर की है? कुछ भी नहीं हैगा, 4-5-10 साल की जिंदगी रहेगी। इस करके मारे कहिंदे डड्डा डेरा ये नहीं, जिहड़े घर नूं बंदा 24 घंटे भजदा ना, मारे गुरबाणी च कहिंदे तेरा ये नहीं घर, डड्डा डेरा ये नहीं, जह डेरा तह जान। कहिंदे असली डेरा वो है जिथे तू पक्का चले जाना, पर उहदे बारे तैनूं कदे ज्ञान नहीं आया। जे कथा कीर्तन हुंदा तू सुनदा नहीं कदे, कहिंदा जी मेरा घर दा नहीं सरदा, दुकान खुली, मेरा परिवार डीकदा होना, मैं घरे जावां। महाराज कहिंदे आ जा तैनूं दसीए, डड्डा डेरा ये नहीं, जिहड़े घर नूं तह भजदा बच्चियां वास्ते तू इत्थे नहीं रहना। जह डेरा तह जान, उआ डेरा का संजमो गुर कै शब्द पछाण, 1430 अंग उस डेरे की गल करदे जिथे आपां पहुंचणा, पर इन्हां नूं सुणदा को नहीं। इस करके महाराज साहब ने एक शब्द सुनिया ते कहन लगे,
मैनू उस बाबे का घर दस। तो बीबी अमरों ने क्या कहन लगे, खडूर साहब दे विच जोत जगा के बैठे गुरु अंगद साहब आखो सतनाम। उत्थे फिर पहुंचे ने अमृत वेले तुर पे अपने वांगू, नहीं कल नू जावांगे संग्रांद ते जावांगे ना, सीने खिच जिन्हां ने खादी ओ कर आराम नहीं बहिंदे, नेहो वाले नैणा दी नींदर दिने रात पै बहिंदे। भाई वीर सिंह दे बोल ने कहिंदे मैं गया आनंदपुर वल, पौंटा साहब गया, उत्थे जमुना दे विच ढाई बजे इशनान करन लगा। तो मैं पुछया जमुना सारे लोग सुते, पशु सुते, दरख्त सुते, तैनू नींद नहीं आउंदी, तू किदां भज्जी जानी तेज, किते रुक जा कर। ते जमुना चो आवाज आई कहिंदी गुरु क्या सिखा, तू मैनू कहिंदा तैनू नींद नहीं आउंदी, तैनू क्यों नहीं आउंदी, तू की लैण आया ढाई बजे सारे सुते। कहिंदा मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं मिलना है। ते मेरा गुरु कहिंदा सी सिखा तू नितने ना छड्डी मैं तेरी बाणी छड़दा, तू अमृत वेला ना छड्डी मैं तेरी, अमृत वेला साच नाओ करमी आवे नदरी। गुरु नानक कहिंदे मरदानिया जिहड़ा अमृत वेला सांभदा ना रोज, जिदन उन्हें दुनिया तो जाना है ओदी बॉडी वेहड़े च होवेगी, सारे लोग आउणगे लोइयां लफाफियां चो कढ के ओदी बॉडी ते पाउणगे। जिन्हें अमृत वेला संभालिया होया बाणी संभाली, मैं भी आवांगा ओदे वेहड़े च, लोकी कपड़ा पाउणगे ओदी बॉडी ते, कहिंदे मैं ओह कपड़ा लै के आऊंगा जिहड़ा दरगाह दे विच ओदे पाप ढकेगा। सतनाम है कोई इदां दा रिश्तेदार जिहड़ा ओह कपड़ा लिया, ये बाबे ने लियाउणा है ते तां लियाउणा जिहड़े उहनूं प्यार करदे आ। आपां किसे दे घर प्रोग्राम ते जाइए ते अगला भी आउंदा है जिहड़ा सिख गुरु की गल सुण लई घरों भज के आउंदा ते गुरु ना उहदे कोल जाएगा। तो गुरु पातशाह महाराज की कृपा कीती, अमृत वेले पहुंच गए। जदों बूहे च गए ते गुरु अंगद साहिब नूं पता लगा साडी कुड़माचारी रिश्ता जुड़न लगा, ते हाथ जोड़ के सरोपा लैके पैसे बूहे च आ गए, फुलां दी टोकरी, क्योंकि पहलियां दे विच थोड़ा जिहा सट गया, पहलियां दे विच प्यार बड़ा सी। जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो, जिन जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ। अज आपां गुरबाणी कराउणे जरूर खंड पाठ सुखमनी साहिब, पर आपां कदे पहुंचण दा यतन नहीं कीता। कोई एक अद्धी रूह होगी जिहड़ी इस रस्ते ते पहुंचना चाहुंदी है। तो गुरु पातशाह महाराज जी ने कृपा कीती, किरत के वाधे पाप कमावे वाली गल है। रोटियां कारण पूरा ताल आप पछाड़े धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान गावन सीता। महाराज कह गए कहिंदे बस रोटियां करके आपां गाउणे, तोरी तोरी फुलका चलदा जावे, सब कहिंदे इदां ही रह गए, कोई विरला मंजिल दा वपारी है। हुण ध्यान दे आ जी, जदों कपड़े ते पैसे वेखे ते इदां हथ जोड़े, तुसीं वी जोड़ो सारे सीधे करके आखो धन गुरु अमरदास जी महाराज, धन गुरु अमरदास जी महाराज। हथ जोड़ के कहिंदे बापू ए की, महाराज कहिंदे कुड़माचारी दा शगन। कपड़े ते पैसे महाराज हथ जोड़ के कहिंदे सतगुरु ए चीजां ओह ने जिहड़ियां भरावां तों भरा, भैणां तों भैणां, सज्जण तों सज्जण दूर कर दिंदियां। कपड़ा ते पैसा ये सारे रिश्तियां नूं इन्हें तोड़िया, जे भैन ने फड़ ले ते मोड़े नहीं रिश्ता टुट गया, जे वीर फड़ के लै गया मोड़े नहीं रिश्ता टुट गया। ते जां कपड़ियां तों लड़ाई हुंदी अपने घरां च वी उहनूं आ दित्ता, इदां रहो विचार। तो गुरु अमरदास महाराज 60 सालां दी उम्र चिट्टा दाड़ा थोड़े थोड़े धौले, वाहिगुरु काले केस ने बाकी चिट्टे है, हथ जोड़ के कहिंदे बाबा तोड़न वालियां बातां ना पा, जोड़न वालियां पा, क्योंकि आ जिहड़े कपड़े लीड़े आ ते तां मैं बाबे नानक दी बाणी सुण के ते अगे आया, कपड़ रूप सुहावना छड दुनिया। ते अज सब तों वड्डी गुरु घरां च लड़ाई कादी सरोपे, किन्ने बुझिया गुरु नानक दी बाणी, हुण उत्थे वी सरोपा ही दित्ता, ते अज क्यों धड़े बाजी क्यों जिहदा हाँ जी उहदा नाम बोलता उहने 2500 दिता, मैं भी 500 दिता, मैनूं सरोपा नहीं दिता, मैं समागम च नहीं आउणा, समागम तोड़ के जाऊंगी, ऐदा ही हुंदा आम गल्लां। तो गुरु नानक दा मिशन सी कोई ओह कोई नहीं समझ सकिया। महाराज जी कहिंदे कपड़ रूप छड दुनिया,
अंदर जामना मंदा चंगा आपे कीता हुक्म किए मन भावंदे राह नंगा दोजख चालिया तां दिसै खरा। जदों आ पौड़ियां पढ़ियां बाबे अमरदास ने ते गुरु अंगद साहब कहिंदे तूं कित्थों सुनियां, कहन लगे ओ बीबी अमरो दे मुख चो पैणो मेरे घर च बेटी नेतनेम करदी अज आपां रिश्ता करदे आपां वेणे पैली किन्नी दाज किन्ना छापां किन्नियां गड्डियां किन्नियां कदे वेख्या वी धी नूं गुरबाणी किन्नी आउंदी आ। जिहड़ी धी नूं गुरबाणी आउंदी जिथे उहने जाणा घर तर जाणा है। इस करके अज समां ही ऐसा है तो गुरु अमरदास जी ने जदों बाणी दे बोल बोले ते गुरु अंगद साहिब कहिंदे पुरखा चाहुंदा की है, कहिंदे बाबा जो तूं दे दे ते मारे कहिंदे आ फिर सरोपा दे पैसे लै ना भेटा दर्शनी भेटा। मारे कहिंदे ना सतगुरा एक कृपा कर जी मैनूं सरोपा देना ही है ना, जी मैनूं कपड़ा देना ही है ते फिर ऐदां दा कपड़ा दे तुसीं वी मंग लिओ जी अज मौका जी अज देना गुरु अमरदास दा। ते अमरदास महाराज जी नूं 12 वार मिले गुरु के ढाडी बैठे है जिन्हां च पहले 5 साल ते मैनूं याद है नमाणिया दे माण नितानिया दे तां न्योटिया दी ओट ने पत्तिया दी पत्त ने छत्तिया दी गुरु अमरदास अज भी नहीं किते गए सवाइयां दे विच भट्ट साहिब जी कहिंदे नाम सुनत सुत भान डरियो, कहिंदे गुरु अमरदास दा नाम इन्ना चलदा ना किसी दा दिल्ली तक चलदा ते ओह सवाइयां च कहिंदे भी सिखो जिन्हें गुरु अमरदास दा नाम भावना ना लै लिया ना धर्मराज भी गुरु अमरदास के नाम तो डरदा खो सतनाम नाम सुत सुत भाण सुत सूरज का जिहड़ा वड्डा मालक है धर्मराज सूरज तो वड्डा देवता कहिंदे वह भी डर जांदा खो सतनाम श्री धन। मेरे गुरु अमरदास कहिंदे बापू वह कपड़ा दे दे अज मैनूं जिहड़ा मेरे पाप ढक ले आ इन्ने कपड़िया पाप नहीं ढकने भावें 25 लोइया पै जाना अपने 26 वो तो पैनिया ही है कि जिन्हां नाल प्यार उन्होंने आ जाना है पर आ कथा रसमई है अंदरों भावना ना सुनियो। जदों फिर महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे वह कपड़ा किहड़ा है ते अगों गुरु अमरदास जी कहिंदे तुहाडे कोल आ तुहानू 9 साल करतारपुर सेवा करके वह चादर गुरु नानक दे के गया सी थोड़ा जिहा कपड़ा मैनू भी दे दिओ आपको सतनाम। महाराज हस पै कहिंदे फिर पैसे रख ला, सतगुरु कहिंदे नहीं महाराज प्यार तुहाडा चाहीदा मारे कहिंदे रख ला, कहिंदे फिर वो धन दिओ ना भी जिद्दन मैं दुनिया तो जावां मेरे नाल जावे। इत्थे आके ब्रेक लग जांदी है मारे कहिंदे कौडी कौडी बोल को जोर कह जोरे लाख करोर चलती बार ना कश मिलियो लई इत्थे एफडियां बजियां रह जाणियां मित्रों गंढा नहीं किसे खोलणियां आपां तुर जाणा है। इस करके मारे सच्चे पातशाह ने चपेड़ां खा के भी पटवारी नूं दसता सी भी जोड़ी ना जा कि लंगर भी ला दिया किसी गरीब नूं भी दे दिया कर मगरों बच्चियां ने एफडी तड़ाउणी है ते तैनूं ते 2.5 क्विंटल बालण ते 2-3 लोइयां दे के तोर देना अगले तेरा वजूद की है तू। इस करके गुरु अमरदास ने बहुत सोहणियां चीज़ां मंगियां ते बाबा अंगद साहब जी भी इश्क दी गल कथा लिखी किसे ने कहिंदे गुरु अंगद साहब कहिंदे भांडा लियां फिर लिया पा दिने नाम धन कहिंदे जी भांडा किहड़ा चाहीदा मारे कहिंदे जिन्ना भांडा है भाओ तिन्ना सवार सी आ भांडा शरीर है इहदे च पैंदा नाम सिमरन पर अजे भांडा गंदा है इहनूं साफ कर चंगी तरह सानूं कोई इदां कह दे भी तूं गंदा है आपां ते किते संगरांद ते भी नहीं आउणा गुरुद्वारे आखो सतनाम आपां नूं ते जिथे इत मिले उत्थे जाईदा ना। गुरु अमरदास 60 सालां दी उमर है ते अगों पुरख ने कहता तेरा भांडा साफ नहीं कहिंदे महाराज फिर कर दिओ कहिंदे जी किदां होऊगा कहिंदे ओ लंगर च बेबे माता खीवी है जा जाके पुछ ला जिन्हों सत्ता बलवंडा जी कहिंदे है लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर क्याली माता खीवी नेक जन जिन बहुती शाओ पुतराली माता खीवी नूं कहिंदे जिदां संघना रुख घर च होवे इदां दी सी मेरी मां माता खीवी जिहड़ी खीर च देसी घिओ पा के सारिआं नूं इन्ना प्यार करदी सी जे कोई पैसे मंगदा सी ते पैसे दे दिंदी सी मां दा दिल वैसे कोमल हुंदा है। इस करके बाबा अमरदास कहिंदे माता खीवी नूं मां भावें उम्र च छोटे आ गुरु अंगद साहिब छोटे आ गुरु अमरदास तों
पर किन्ना सत्कार कहते मां मैनू भी कोई सेवा दे दे कह लगे बुजुर्गो सेवा की तुसी बह के संगतां नू नाम जपाओ सिमरन कहते नहीं सेवा लैनी है ते मां कहती फिर आपे वेख ला केड़ी सेवा सामने गागर पई बड़ी सारी जाके मथा टेक के गुरु अमरदास ने गागर चुक लिया आखो सतनाम कहते मैं आज सेवा दे दियो कहते करनी है कहते अज तो बाद मेरा गुरु अंगद साहब खड़ोते हुए पानी खूह दे नाल इशनान नहीं करेगा मैं वगदे हुए नीर चो इशनान कराया करांगा खो सतनाम किथे गोइंदवाल ते किथे खडूर साहब अमृत वेले गागर चुक के तुरन वाला अज ते अपनी सत्या खत्म हो चुकी है ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ ਤੇ ਗਾਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ खंब विकंदड़े जे लहा खंब विकंदड़े जे लहा किन्ना सामी तोल किन्ना सामी तोल तन जड़ाई अपने लहा सो सजन टोल तन जड़ाई लहा सो सजन गुरबाणी पढ़ने वाले नूं समझ आ गई है ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਖੰਭ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਵਧੀਆ ਏਜੰਟ ਲੱਭੋ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਣ ਦੇ ਹੈ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਧਾਵ ਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਜਾਣ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਬਾਬਾ ਰਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੱਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਉੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂ ਉਹ ਖੰਭ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਖੰਭ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਣਦੇ ਕਥਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਸਾਈਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕੀ ਲੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪੈਰ ਖਿਸਕਿਆ ਡਿੱਗ ਪਏ ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਦਾ ਏ ਤੇ ਮਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਦੀ ਵੀ ਆਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਕੜੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤਿੰਨ ਕਮਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੀ ਕਮਲੀ ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਲਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚਾਦਰ ਓੜ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫੁਲਕਾ ਬਣਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਜਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲਾਂ ਗਈ ਤੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਓੜਕ ਚਾਦਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬੰਜਾ ਬੋਧਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦੀ ਅੱਗ ਪਈ ਲੱਗੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਚ ਸੁੱਤਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਦਾ ਚਰਨ ਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ ਉਹਨੇ ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਰਨ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਚੁੰਮਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਜੱਕ ਲਖਤ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ ਤੁਲਸਾ ਖੋ ਸਤਨਾਮ ਪੱਕੀ ਪੀ ਆਰ ਕਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ
ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਜ ਡੱਬੇ ਚੜਾ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਪੀ ਆਰ ਹੋ ਗਏ ਅਮੈਰੀਕਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 50-60 ਸਾਲ ਉਹ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾਈ ਪੀ ਆਰ ਦੀ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਤੀਜੇ ਭਇਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪਰਨੀ ਖੇਡ, ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ, ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਂਝ ਕੀਆ ਕਰ ਵਾਸ, ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਰਨਾਸ, ਨੌਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉੱਬੇ ਸਾਹ, ਦਸਵੇਂ ਦੱਦਾ। 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਢੇਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖੋਂ ਸਤਨਾਮ। 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਤੋੜੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਏ। ਕਾਹਦੀ ਪੀ ਆਰ? ਪੀ ਆਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਗਏ, ਰਾਵਣ ਗਏ, ਜਾਗੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਸ ਪਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਮੋਹ ਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਰਲੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਦਰਅਸਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਾਉਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਏ, 60-70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਧਿਓ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਲਸਾਂ 3 ਕਮਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਰਨ ਛੋਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ, ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕੱਢਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੁੱਤਾ ਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਖੜੋਤੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਨਾਨਕ ਆਹ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕੱਢਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਮਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਕਮਲੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਮਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵੈ। ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੁਚੀ ਬੋਲੋ। ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਤੂੰ ਸਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਪਾਗਲ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਨਮੇ ਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਇਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਾਣੀ, ਟੇਕ ਮੱਥਾ ਗੁਰਦਾਰੀ, ਉਲਟ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਕਮਲੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗੇ, ਜਲਾਈ ਤੇ ਜਲਾਇਆ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ 3 ਵਜੇ। ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਲਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੇ ਅਮਰੂ ਬੇਨਬਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਬੂ ਚੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਆਪ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਾ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੀ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਉਠਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਥੋੜਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਨੀ ਪਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਸ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਅੱਜ ਭਾਂਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। 12 ਸਾਲ 60 ਦੇ ਆਏ, 72 ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ 72 ਸਾਲ ਅੱਜ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 72 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 12 ਵਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, 3 ਸਥਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 8 ਗੁਰੂ ਆਏ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 8 ਗੁਰੂ ਆਏ, ਅਤੇ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਕਿੱਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।
अज दुनिया किरिया करती है, कोई नारियल चक्की फिर कोई चौंक च बोकर रख दिंदा कोई जिंदरा, आम ही गल है। उस वेले इथों दा चौधरी कहिंदा गुरु अंगद साहब मेरा नगर नहीं वसदा, रात नूं घर बनाउणे सवेरे अग लग जांदी। अज वी बहुते कहणगे साडे कपड़े पेटी च सड़ जांदे। बहुत इहो जिहियां आम ही उदाहरणां। वो दुखी होई संगत ने बेनती कीती ते धन गुरु अंगद साहब दी नेत्र पए भाई दातू ते सपुत्तर ते, कहिंदे बेटा जाऊंगे नाल? कहिंदे ना बापू, भूतां चड़ेलां तों असीं मरना है। एक दो होर सिखां वल इशारा कीता, डर गए। धन गुरु अमरदास मारे 72 साल दी उम्र अखां बंद करके बैठे है। मेरे हजूर ने आख्या, कहन लगे बाबा अमरदास जी ये काम तुहानू करना पैना, सतनाम। कहिंदे गुरु नानक ने करतारपुर वसाया सी, सानू भेजता भी खडूर वसाओ, फिर वसाया फिर आण सतगुर खडूर ते हुण असीं तुहानूं कहिंदे इक नवां शहर वसा दिओ, दुनिया दा केंद्र सिक्खी दा। उहनूं फिर भट्ट साहिब की कहिंदे, पढ़ लो जी, गोइंदवाल गोबिंदपुरी, गोबिंदवाल गोबिंदपुरी, गोबिंद। महंगी बाणियां पढ़ो। सम जलन तीर बिपास बनायो, सम जलन तीर बिपास बनायो, दरिया के कंधे ते भट्ट साहब जी कहिंदे। फिर बाबे ने नगर वसाया गोइंदवाल, उस नगर दी मोड़ी गड्डी जो भूत प्रेत सब भजाए, उत्थे फिर महाराज जी ने बौली दा टप लाया ते 22 साल 11 महीने ते कुछ दिन गुरता गद्दी ते रहे। 70 ते 22 तुसीं हिसाब लायो, 92-95 साल दी एज है। अज दा दिन चढ़िया समा नेड़े होया है। धन मेरे पातशाह महाराज गुरु अमरदास जी दे बाबत बोल ने, कहिंदे घन हर बूंद बसो रोमावल, कुसम बसंत गनंत न आवै, रब सस किरन उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावै, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कवजन पल, पले अमरदास गुण, पले अमर। ये पहलियां पंक्तियां महंगियां, पर इन्हां दे अर्थ पता की है? कहिंदे सूरज दियां किरणां कोई गिण नहीं सकदा, समुंदर दियां लहरां बोली चलो कोई गिण नहीं सकता, बसंत दे विच खिड़े फुल कोई, मीह दियां कणियां कोई। पर अंत नूं आके कहन लगे, नहीं गुरु अमरदास, ये चीजां गिण सकदे ने साइंसिस्ट टेक्नोलॉजी वाले, किदन बदल किदन मीह, पर गुरु अमरदास तेरे गुण कोई नहीं गिण सकदा। खुद काल तेथों डरदा है, मौत तेनू मत्था टेकदी है। एक बीबी अमृत वेले रोवे, सतगुरु बैठे गोइंदवाल, कहन लगे चुप कराओ असीं गुरबाणी ध्यान जोड़ना है ते मन नहीं टिकदा। ते उह कहन लगे जी दा पुत मर गया जवान ते चुप कित्थों करना है। धन मेरे गुरु अमरदास जी इन्ने त्रुठे, प्रभ जी वसै साध की रसना, कहिंदे जा बीबी चुप कर जा रोना, दिन चढ़िया तेरा पुत जवा दांगे। हुण इह काल बन्नण वाला कोई बैठा दुनिया ते, मौत किसे तों रुकदी नहीं, पर गुरु अमरदास ने बन्न ली है, पुत जिउंदा कीता ते नाल ही वचन करता कि जिन्ना चिर असीं शरीर करके गोइंदवाल साहिब दी धरती ते बैठे, बंदा ते की कोई पशु पंछी भी नहीं मरेगा। बहुत पवित्र धरती है, तुसीं आशक बन के सुनदे, वैसे हुण इहनां चीज़ां नूं सुणदा ही कोई नहीं, ना पढ़दा ही ना शौक ही रखदा, बस ओनली डालर पाउंड पैसा खा लिया, ऐशां पब्बां क्लबां च जिंदगी खराब कर सुट्टी। महाराज कहिंदे अवर काज तेरे कितै ना काम मिल साध, एडा सोहना शरीर मिलिया सी, बस इन्हां चीजां च नंगा लिया, कदे बरूहां नहीं गुरु दियां चढ़ सकिया। धन मेरे गुरु अमरदास पातशाह वारे ने फिर सेवावां आरंभ कीतियां। हिंदुस्तान दा बादशाह अकबर गोइंदवाल आया जिथे अज मोदी बैठा है, ते उन्हें जो ड्योढ़ी च आया ना इतिहास ते बहुत वड्डा, महाराज दा कि 21 दिन च थोड़ा घंटे च सालां बदी है। वह जो ड्योढ़ी च आया सी ते उन्हें सब तो पहली बारी कड़ाह प्रसाद छकिया, ते जदों उन्हें छकिया ते इतिहास कहिंदा वी अपने वजीर नूं कहिंदा वी ये हलवा है, ये उन्हां वास्ते बनाया जिन्हां दे दंद नहीं हैगे, खुश सतनाम।
ते हस के महाराज दे चाकर कहिंदे दंद नहीं उन्हां वास्ते प्रसाद है, इह सारिआं वास्ते है, इहनूं दंदां दी लोड नहीं पैंदी। किते फिर वक्त मिलिआ प्रसाद दी कथा करांगे वी आया कित्थों देग, कौन लै के आया। गुरु नानक साहिब ने देग लिआंदी सी, सिद्धां दे नाल काफ़ी समां चर्चा होई, उन्होंने दंद गायब कर ले सी कि बाबा छका कुछ, उन्होंने पता सी वी मेवे मनके सेब केले लियाऊ, असीं कहिणा दंद है नहीं। बाबे ने चीज ही इदां दी तैयार कीती वी दंदां दी लोड नहीं, आपे ही अंदर आखो सतनाम। उस वेले देग छकी ते तीन वारी प्रसाद लिया अकबर ने, कहन लगा जिन्हां दा प्रसाद ही इन्ना स्वाद अगे जाके की बनूंगा। अजमेर शरीफ की जियारत की अकबर ने, कांगड़े माता नूं सोने दा छतर चढ़ाया, पर उस ड्योढ़ी च खलो के अकबर कहिंदा सी, सिखो ऐ मुसलमानो, तुसी जन्नत दा जिक्र करदे हो, तुसी जन्नत दी गल करदे हो, अज मैनूं इदां लगदा वी गोइंदवाल दी ड्योढ़ी च गुरु अमरदास दे घर जन्नत ही। आखो सतनाम। धन मेरे गुरु अमरदास नाल मेल होया, कहिंदे जा पीलां प्रसादा छक के आ। पहली वार हिंदुस्तान दा बादशाह थले भुंजे बैठ के केले दे पत्तरां ते प्रसादा छक रिहा, ते जदों ने छकिया ते गुरु अंगद अमरदास नूं मिलिया, कहिंदे पातशाह कमाल करता, मैं सोने दियां थालियां सोने दे चमचियां च प्रसादा छकण वाला, अज तेरी पंगत विच बह के इन्ना आनंद आया कि मैनूं सेवा दे दिओ वी जिन्नी लंगर दा खर्चा है ना मैं अपने वालों दे दिंदा। धन मेरे गुरु अमरदास कहिंदे ना भी सजना, इहनूं संगत दा रहण दे, जे तेरा हो गया ते रस नहीं रह जाणा। धन मेरे पातशाह दी बेअंत कथा है। फिर सतगुरु महाराज अज दे दिन 1575 दे करीब सारी संगत सदी, जिहदा जिक्र 923 अंग ते राम कली साध विच बाबा सुंदर जी ने कीता। इह मैं पहला भी जिक्र करता कि बाबे मोहन दा बेटा सी बाबा आनंद। कोई संगत बाहर आई है, संगत बाहर आई ते उन्होंने बाद दे विच कृपा कीती। पहला यह प्रसंग हो चुका सी, मैं फिर रिपीट कर लगा वी जिहड़ा आनंद साहब सानूं मिलिया है बड़ी कीमती चीज़ है। जदों बाबा मोहन जी दे घर बाबा आनंद जी का आगमन होया पोतरे का, ते फिर उस वेले दादे की झोली च पाया गया पोतरा, ते कहिंदे बापू जी ना रखो तुसी, ते मेरे पातशाह इन्ने क खुश होए, बाबा आनंद जी दे चेहरे नूं वेखिया, अखां वेखियां, महाराज कहिंदे ते आनंद ही है। महाराज ने 40 पौड़ियां उत्थे गोदी च रख के उचारतियां, आनंद भया मेरी माए सतगुरु। ऐदां दा तोहफा अपने पोतरे नूं दित्ता, कल्ले पोतरे नूं नहीं पूरी दुनिया नूं आनंद साहिब गिफ्ट दे के गया वी तुहाडे घर मर्ग होवे सिखा तां वी आनंद पड़ी, तेरियां लावां होण तां वी आनंद पड़ी, तेरे घर दे विच खुशी तां वी। आनंद साहिब तों बिना अरदास नहीं हुंदी, रह रास वी सवेरे वी कोई मर्ग होवे खुशी होवे। महाराज सच्चे पातशाह 40 पौड़ियां उचार के कहिंदे इहदा नाम है आनंद, आनंद दी मूर्त है। ते उहनां दे ग्रह विखे फिर बाबा सुंदर सिंह जी, गुरु अमरदास जी दे वाहिगुरु, उदों सिंह शब्द नहीं होंद चाया, बाबा सुंदर जी दा आगमन होया गुरु अमरदास दे पड़पोते, जिहड़े उस वेले भर जवानी जिदां बेटा मेहनत करदा ना लाइव चलाउंदा, इक शौक है, बड़ा मन खुश हुंदा वी मारे कृपा रखी, अज बच्चे तां मत्था टेकण वाल गई जनरेशन आउण वाली गुरु साहिब दे अंदर नहीं आउंदी, पुठे बने लग पए सारे। तो उस वेले जवानी चढ़दी बाबे सुंदर नूं, जदों अज दा दिन आया ना, सारी संगत बैठी, सतगुर भाणे अपने बह परिवार सदाया, सारे इकट्ठे हो के बैठे। गुरु अमरदास कहिंदे संगत जी किसे ने कुछ पुछणा, असीं अज तुहाडे तों विदा हो जाणा। कमाल दी गल भी अपनी मौत बारे पहलां तों पता होणा, इह गुरु नानक दे घर दी फलासफी है। आपां 20-25 साल स्टडी कर लीए ते कुर्सी मिल सकदी है, पर जिहड़ा गुरबाणी रोज़ पढ़दा उहनूं पता लग जांदा है कि मैं इन्ने दिनां नूं चल जाणा। आखो सतनाम। बस इहो ही फर्क है दुनियावी पढ़ाई च ते इस पढ़ाई च। उह पढ़ाई करी दी डालर पाउंड गड्डियां कोठियां लई, उह 60 साल लई अपणियां मुड़ के किन्ने पुछणा। इह पढ़ाई उह है जिहनूं महाराज सुखमणी साहिब च कहिंदे आ, जिह मारगे उह जात अकेला, तै हर नाम संग ऐसा नाम मन सदा, नानक गुरमुख
परमगत पाई है पढ़ाई नाल जानी पर हुण करनो हट गए बच्चे, कोई नहीं इस पढ़ाई वल नूं आउंदा, पता नहीं की हो गया, नजरां लग गईआं ऐ। गुरु साहिब तरस करे, धन मेरे सच्चे पातशाह महाराज ने जो गल्लां कीतीआं, फिर पड़पोता लागे बैठा सी, उहने सारी राम कली सद इसे च तैयार कीती है। उत्थे फिर दो शख्स आए, जदों सचखंड महाराज चले ना, एक आया बाबा दातू जिन्हें कितने लत मारी सी वखी दे विच, जो गुरता गद्दी मिली सी ना, वह कहिंदा सी कोड़ी साड़ी गद्दी आप लै गए महाराज दी वखी च लत मारी। जो सन साहब गए बाबे बुढ़े ने सन लाई, इतिहास का भंडार है, ते बाबा बुढ़ा जी दे प्यार विच सराहने खले होए ने। बाबा दातू जी कहन लगे, बाबा बुढ़िया तो गुरु लदा, तेरा आखा गुरु नहीं मुड़दा, मेरी सिफारिश कर दे, अज गुरु अमरदास ने ज्योति ज्योत समाउणा है, जिदन की मैं लत मारी है मेरी सारी रात बैठिया लंघ दी, मेरी लत च दर्द बड़ा हुंदा है, सारे सौ जांदे मैं तड़फदा है। पढ़ो सुखमणी साहब, संत का दुखी सदा, संत का दुखी किसे का, संत का दुखी महा हत्यारा, संत का दुखी, संत का दुखी राज ते हीन, संत का दुखी अज दुखी होया ते दीन होया। कहन लगे बाबा सिफारिश कर दे, तू ग्रंथी है महाराज दा बन वाला, बाबा मेरी अरदास कर दे, गुरु अमरदास नूं कह दिओ मैं तू गलती नाल लत वज गई, मेरी लत नूं आराम दे दे। अज भी बंदा वाहिगुरु तों नहीं कहिंदा, जदों इत्थों रात नूं दर्द पिरदी वखी च, कपूरथलिओं जलंधर, जलंधरों चंडीगढ़ रातों रात पहुँच जाता है, पर कितें कथा कीर्तन होए ते बहाने बनाउंदा मेरा टाइम ही नहीं। सब तो घट आप पता कितने बहने गुरु ग्रंथ साहब के कोल, तो उदों याद आती जो डॉक्टर कहिंदे आ भी 1 लाख जमा कराओ, 2 लाख कराओ, 15 लाख लग गया, तो कहिंदा छुट्टी कदों, कहिंदे अजे कोई पता नहीं, तो उदों याद आती मैं सुनाया भी सी तुहानूं भी किसी नूं 15 दिन आक्सीजन लाई, 3 लाख बिल बनाया, तो जदों पे कर लगा बिल तो उची उची रो पिया, डॉक्टर कहिंदा की होया, कहिंदे डॉक्टर साहब तेरे हस्पताल नूं मत्था टेकण नूं जी करदा, वह कहिंदे कमलिया गुरुद्वारे थोड़े मंदिर मस्जिद कातों मत्था टेकना, इतने कहिंदा अज वह एक चीज सीखी है जिहड़ी मैं कदे मंदिर गुरुद्वारे चों नहीं सीखी, कहिंदे की, कहिंदे तुसीं मैनूं 15 दिन ऑक्सीजन दित्ती है, 3 लाख बिल बनाता, तो मैं सोच रहा सी 50 साल मेरी उम्र हो गई, जिहड़ा वाहिगुरु मैनूं रोज सवास दिंदा मैं कदे मत्था टेकने नहीं गया, कदे मैं उन्हें याद नहीं किया, बस सज्जना मित्रां दे नाल जवाई करता रहना, कदे 5 मिनट चोर नहीं किया गुरु साहब ने, क्योंकि हस्ती बाद च पता लगती, कहिंदे अज मैनूं अकल आई भी सतगुरु तू किन्ना कीमती अखां गुरदे दिल आ चीज़ां करोड़ां दियां मैनूं फ्री च दित्तियां, पर मैं कदे तेरा धन्नवाद नहीं कर सकिया। उदणी फिर उह हरिमंदर साहब देख करा के आया मैं वापस अपने रंभे हुए बख्शिश दे खजाने वल नूं आवां, बाबा दातू जी रो पए, कहिंदे बाबा मेरी लत ठीक कर दे, गुरु अमरदास जी कहिंदे जो तुद भावै साई भली कार, गुरु नानक कह गया पर फिर भी जे तू रोना है ना, हुण तेरा दर्द गुरु रामदास दा सब तो छोटा सपुत्र जदों तख्त ते बवेगा वह दूर करेगा खो सतना। कहिंदे जी वह कौन, धन श्री गुरु, अद्धे क बोले है गुरु अर्जन देव महाराज जी पातशाह, कहिंदे जा बचन रहा तू ते की पूरी दुनिया दे संकट गुरु अर्जन साहब दूर कर दिया कर, अज भी पढ़ते बाणी सिख तत् विचार जह मथरा जग तारण को अवतार बनायो, जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर, कहिंदे गुरु अर्जन साहब बापू तेरा नाम लिया संकट ते जूना च नहीं आईदा, ते मैं अपने आप नूं कर्मां वाला समझदा कि मैनूं उस गुरु अर्जन साहब ने अपनी गोदी च सेवा दित्ती है। गुरुद्वारा बौली साहब डल्ला किते छोटी बख्शिश दा घर नहीं है, इन्नी तकड़ी धरती जिथे 72 ब्रह्म ज्ञानी 4 मंजियां ते 8 गुरु, तां मैं तुहानूं बेनती कीती भी अगले ऐतवार उपराला करके सारे जने ना प्रभात फेरी बना के शब्द पढ़ के जोड़ मेला आया, तो सवेरे आयो 4 बजे तुरे, 5 बजे तुसी पहुँच जाना, नाले तुहानू चाह पकौड़े छकावांगे, तो प्यार वधदा संगत दा, क्योंकि गुरु महाराज के चरणों का प्यार नहीं मिलता, यतन करिया करो प्रेम नाल, क्योंकि गोइंदवाल लोग तुर के जाते, आप इतने नहीं जा सकते, आखो सतनाम
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਨੀ, ਬਰਾਤ ਆਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਏ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 21 ਸਾਲ ਗੰਗਾ ਤੇ ਗਏ ਤੁਰ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੈਰ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਚੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੋਨੀ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਮੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰ ਸੜ ਗਿਆ ਏ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੈਲਸ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਗੁੱਸਾ ਮਣਨਾ ਹੰਢਾਏ ਦੇਹੀ ਰੋਗਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੈਲਸ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੈਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸਮਾਧੀ ਕੀ? ਤੇਰੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਖੰਡ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਵੱਧਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੁੜਦਾ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਈਆਂ ਕੋ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋ ਤਾਂ ਜੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਰੌਲਾ ਹੀ ਆ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਫਕੀਰੀ ਵਾਲੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਦੇਵ ਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਓ, ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੈ ਬਿਠਾਇਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ, ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਅਤੈ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ। ਧਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਇਓ ਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਾਪੂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੰਭੀ ਸੀ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ, ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸਰਦਿਓ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਇਓ ਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਓੜੀ ਤੇ ਪਲ ਅੱਖ ਚਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਬਿਆਨੇ ਕਰਕੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਰਿੜਕਣ ਦਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਗਲੇ ਪੈ ਪਰ ਜਹਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਪੁੰਜ ਲਾਉਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਛੁੱਟਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਿਆ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੱਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਲੱਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ,
मैं लाहौर दियां गलियां च घुंगणियां वेचदा एक नथावा निमाणा ने आसरा ने पत्या गोइंदवाल आया सी एक गुरु अमरदास सी जिन्हें मैनू अपना बना के अपनी धी का रिश्ता बीबी भानी का मेरे नाल कीता अज गलियां च रुलदे फिरदे जेठे नूं गुरु नानक दे तख्त ते बाण वाला मेरे को सदा ली चला गया उसको सतनाम पल्ले अमरदास गुण तेरे पल्ले अमरदास गुण तेरे पल्ले तेरी उपमा तो हे बनिया तेरी उपमा तो हे बनिया पल्ले अमरदास गुण तेरे पल्ले अमरदास गुण तेरे तन मेरे सतगुरु देवपुरी नूं चले गए जिन्हां नूं चानण सी उन्हां ने बवान वेखे फुल्लां दीआं वरखां वेखियां सतगुरु महाराज दी देवपुरी मैं गयो आप परमेसर पायो पिछों संगतां ने फिर पंज भौतिक शरीर दा ब्यासा दे विचों इशनान करा के चंदन दीआं लकड़ां लै के सारी संगत ने हाजरी भरी अज दे दिन 1574 दे करीब 95-96 साल दी उमर 22 साल गुरता गद्दी संभाली अज गुरु अमरदास दे गुण गाए संगत जी आप जी की सेवा करदे आं बेअंत भुल्लां हो जांदियां पूरे दी कथा अधूरे नहीं कर सकते फिर भी आप संगतां धन होए हो जिन्हां ने अज बापू अमरदास जी दे पावन दिन दे उत्ते हाजरी भरी दरअसल साडा सच्चा सज्जन ते सतगुरु ही आ जिन्हां बच्चियां लई परिवार लई बंदा टुट टुट के खवदा है जिदन आपां अखां मीटनियां इन्हां कुछ नहीं कर सकना इन्हें अपने गल च पाए सोने दे चांदी दे छापा छले सारे ला लेने कपड़े भी अपने लथ जाने हैं ते आपां नूं कुछ नहीं मिलना एक घिओ दा डब्बा दो क्वांटल बालण ते पांच सत लोईयां उह वी अग ने लै लैणियां है मारे सच्चे पातशाह कहिंदे तेरे कोल की रह जाणा है प्राणी जाणा है इहो तन मेरा माटी को पुत्रा कैसे नचत है देखै देखै सुने बोले दौरियो फिरत है पर उदन महाराज कहिंदे एक कमाई दा मुल पैणा जिहड़ी तू संगत विच कीती जिनी नाम ते आया नानक ते मुख उजले सतगुरु कहिंदे जिथे 60 साल रहना उथों लई किन्ना प्रबंध कर लिया एक घर पंजाब एक अमेरिका च लै लिया गड्डियां लै लियां घर बना ले कपड़े लै ले पर जिथे पक्के जाना उथों वास्ते कीता ही कुछ नहीं उथों वास्ते एक भी इट नहीं जोड़ी तां महाराज कहिंदे आ किराए दे मकान दे विच रह के कईआं ने इन्नी कमाई कीती अपने घर बना ले शहरां च आवीं पर महाराज कहिंदे आ वी किराए दा मकान है अपना शरीर ये धारा मिलिया आपां नूं अपना थोड़ा है जिसकी बस्त सोई जिदन आवाज पै गई इन्हू छड़ के जाना भावें जिन्ना मर्जी क्रीमा ला लो साबन ला लो सुरमा पा लो इन्हू जिन्ना मर्जी प्यार कर लो इन्हू छड़ना पैना एक दिन तो महाराज कहिंदे किराए दे मकान च रह के इन्नी क बंदगी कर ला कि जदों तेरा अंतला समा आवे तेरा उस घर दे विच टिकाणा हो जाए उस घर तक पहुंचना इस घर तो आ दुनिया के घर घुर एक खेड है जिन्हों मारे कहते जी जंत सब तेरा खेल वियोग मिल विछड़िया जिसनों तू सोई धन भाग सारे मारे कहते जिन्हों गुरु आवाज मारे उ आ सकता हस्पतालां च लोकी बैठे कोई बचैरी बैठा कोई थाने बैठा गुरु ग्रंथ साहिब दी गोदी च एवें नहीं जे ब्याह जांदा जिन्नी भी संगत बैठी तुहानूं गुरु लैके आया गुरु साहिब ने हाथ रखिया जिस तू जाणाए सोई हर गुण सदही जिन हर सेविया मारे कहिंदे सुख पाऊंगे गुरबाणी झूठ नहीं कहिंदी नानक नाम तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का वाहे वाहे की फतेह।